नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मोहिद्दीनपुर गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों द्वारा सिगरेट पीकर फेंक देने से एक झोपड़ी में आग लग गई। ये घटना सुबह के समय हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना में दुर्भाग्यवश एक बकरी जलकर मर गई। वहीं इस हादसे में एक वृद्ध महिला और एक मवेशी भी झुलस गए। इस आग लगी में घर में रखे अनाज और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। पीड़ितों का अनुमान है कि इस घटना में उन्हें लगभग 50,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद पीड़ित रतन बिंद ने लिखित आवेदन देकर प्रशासन से उचित मुआवजा और मदद की गुहार लगाई है। खबर हमको मिला मोबाइल से कि यहाँ आग लग गया है रोड पर और मवेशी और आदमी झुलस गए हैं। तो हम आए और देखे, तब तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जो स्थिति है अभी यहाँ वस्तु स्थिति है, जो एक बकरी थी जो गाभिन थी वो तो मर चुकी है, और एक इसका बच्चा खांसी था वो ही थोड़ा सा जिंदा है लेकिन मर ही जाएगा, और एक बूढ़ी माता थी जो सोई हुई थी वो बाल बाल बच गई, थोड़ा सा झुलस के बच गई है। तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझा के ये बहुत बड़ा काम किया। हटने में विकलांग है वो, उनको पैरालिसिस मार दिया है, उसी चलते वहीं पे सो रहे थे। हाँ, आग के चपेट में आए हैं, थोड़ा सा आए हैं, ठीक है। कितना क्षति हुआ? क्षति हमको लग रहा है 50,000 से ऊपर का क्षति है।